नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में चलने वाली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेनों के बारे में। बिहार में एक तरफ जहां बुलेट ट्रेन पटरियां बिछाने को लेकर काम चल रही है, तो वहीं रेलवे सोलर सिस्टम से ट्रेनों को चलाने को लेकर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी के तहत चलने वाली ट्रेनों को लेकर भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट लगाया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इस सोलर पावर प्लांट से हावड़ा से वाया पटना दिल्ली रूट पर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार में इस योजना के जमीन चिन्हित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के किनारे खाली पड़े जमीनों में रेलवे और ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट स्थापित करेगी। यह पूरा कार्य निजी कंपनी द्वारा कराई जाएगी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि रेलवे इस समय नए प्रयोग कर रही है। इसी प्रयोग की कड़ी में एक बार फिर से जो है रेलवे ने एक बड़ा प्रयोग किया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो मध्य प्रदेश के बीना में लगा सोलर पावर प्लांट रेलवे को खाली जमीन पर लगाया गया है। इस पावर प्लांट से 1.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और इससे बनने वाली बिजली से ट्रेनें चलाई जाती है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि कुछ ट्रेनों के छत पर भी सोलर पैनल लगाए गए हैं। देश में सोलर पैनल के तहत चलने वाली ट्रेनों का जिक्र अगर हम करें तो 15 जुलाई 2017 को इस नई तकनीक के माध्यम से पहली बार ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी। उस समय देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, जिन्होंने डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन में कुल 10 कोच थे, जिसमें से 8 कोच के छत पर सोलर पैनल लगा हुआ था। इस सोलर पैनल से रेलवे ने ट्रेनों के लाइट और पंखे चलाए थे, लेकिन अभी भी देश में सौर ऊर्जा के माध्यम से ट्रेनों का कोई चलाया नहीं जा सका है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में हो रहा यह प्रयोग अगर सफल रहा तो रेलवे के लिए तो यह एक उपलब्धि होगी ही, साथ ही साथ यह बिहार के लिए भी एक गौरव का पल होगा। तो एक तरह से कह लें कि बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जो है सोलर ऊर्जा को लेकर काम कर रही है, जिसके तहत जो है ट्रेनों के परिचालन में भी इस सोलर पैनल को लगाया जाएगा, ताकि जो है ट्रेनों का परिचालन आसानी से किया जा सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।